समय पर एक न्यूज चलाई थी, उसके अंदर आपने साफ साफ देखा जो उनकी पत्नी थी उनसे हम लोगों ने बात की, और अब पूरा का पूरा माहौल और महम शहर के लोग उठ के आए हैं, स्कूल के सामने इकट्ठे हुए हैं। इनका साफ साफ शब्दों में कहना है, मेरे भाई को जहर दिया है, इसका स्कूल बंद करना चाहिए। क्या क्या मांग, क्या मांगे आप लोगों की? इंसाफ, इंसाफ चाहिए हमें, उसे फांसी दिलाओ, इंसाफ चाहिए हमें, इंसाफ चाहिए हमें, सजा उसके लिए, सजा हमें, इंसाफ चाहिए। जैसे हमारे घर के मेंबर का नाश किया वैसे और बच्चों का नाश नहीं होना चाहिए। इस रंडी का ऐसे नाश करो जैसे इसने हमारे घर का करा, इस रंड को रंडी करो। 30 साल का जवान लड़का या श्रीराम स्कूल की प्रिंसिपल, इसने हमारे लड़के को ब्लैकमेल करके अपने घर जहर दिया। 10 बजे से हमारा लड़का इनके घर था, इसने जहर दिया अपने घर, हमारे लड़के को इंसाफ चाहिए। और मैम पुलिस प्रशासन है अभी मतलब मेरे कोई संतुष्टि नहीं। जैसे हमारे बच्चों का नाश हुआ ना, जैसे हमारे भाई का नाश हुआ, ऐसे स्कूल के बच्चों का नाश ना हो, इसलिए स्कूल को बंद करवाओ, बंद करवाओ। स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को हाथ जोड़ के मैं ये अपील करना चाहता हूँ, जहर देने वाले को लगना चाहिए। ये इसने इतने बंदों का घर उजाड़ा, इस औरत ने इतने बंदों का घर उजाड़ा, तो घर खराब करे इस रांड ने, औरों का घर ना खराब करे। बड़ों का कल्ला भाई 5 साल का उसका लड़का हमारे घर में दुखों का पहाड़ हो गया, कुछ नहीं बचा हमारे घर में। गली क्या किरदार, गली क्या किरदार, परिवार वाले और जो आस पड़ोस के लोग, उनका कहना है कि स्कूल को बंद किया जाए। इस तरीके से आपके परिवार से युवा गया है, कहने की बात नहीं है। इतना दुख है किसी भी परिवार के अंदर, ये दुख का पार ना आए, इस तरीके दुख ना आए, किसी के परिवार के साथ ऐसा ना हो। भविष्य से पहले जान प्यारी है, जान ये जान खा जाती है। जब भविष्य क्या रहेगा, जब बंदा ही नहीं रहेगा। बच्चों को ये इसने बच्चों को क्या सिखाया है, ये और बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। हम तो सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारे बच्चे का, हमारे बच्चे को इसने मार दिया, और बच्चे ना मरे, इन्हें जहर दे के हमारे बच्चों को मार दिया। जिस स्कूल के प्रिंसिपल ये काम कर रहे हो, बच्चों को यही शिक्षा देती है, स्कूल को बंद करवाओ, स्कूल को बंद करवाओ। तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा है, गुस्सा है परिवार का और स्कूल बंद के नारे लगाए जा रहे हैं। जिस स्कूल का प्रिंसिपल ऐसा होगा तो उस स्कूल के बच्चों का भविष्य क्या होगा। साथ साथ ये भी कहा और एक ही मांग है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और स्कूल पे जो है ताला जड़ा जाए, और इंसाफ की मांग की जा रही है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, आगे जैसे भी जो भी हम लोग शिक्षा विभाग से अपील करेंगे, स्कूल को बंद करवाया जाए, हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें शिक्षा विभाग से हमें अपील करनी है यही, बस ये स्कूल बंद करवाओ, स्कूल से बच्चे निकलेंगे तो ही कुछ होएगा। तो मैं एक और अपील शिक्षा विभाग से ये अपील करना चाहता हूँ, इसको जो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस स्कूल को बंद करवाओ, नहीं तो हमारे बच्चे का, कई बच्चों का भविष्य खराब होने वाला है। मैं शिक्षा विभाग से यही अपील करना चाहता हूँ, जय श्रीराम सेकेंडरी स्कूल, इसको जितनी जल्दी हो सके बंद करवाओ। और भी जो है और लोगों के भी इसमें नाम आ रहे हैं, कनिका गिरधर के साथ साथ जो और भी लोगों के, लगभग 7 लोगों के नाम बताए जा रहे हैं। तो हमारे को प्रशासन ने अभी तक 2 बंदे, जो बंदे खुले दफ्तरों में बैठे हैं, दुकानों पे बैठे हैं, जो साइड नोट पे जो हमारे लड़के का इसने मर्डर किया, साइड नोट भी लेके गया वो, और उस पे सबके नाम है। बंद प्रशासन ने 2 बंदों को भी गिरफ्तार नहीं करा, अगर बंदे उनको प्रशासन अगर 2 बंदों की गिरफ्तारी कर लेता था हम प्रशासन से संतुष्ट हो जाते, नहीं उन्होंने कोई कार्रवाई भी नहीं करी। तो एक ही मांग है, इन लोगों की गिरफ्तारी हो जिससे मामला शांत हो और व्यवस्था जो स्कूल की है वो भी ना बिगड़े। और एक ही आरोप है, शिक्षा मंत्री से भी ये लोग अपील कर रहे हैं कि ऐसे स्कूलों को आरोप जो बंद किया जाए, जिन स्कूलों के अंदर पढ़ाई तो दूर की बात और उनके प्रिंसिपल इस तरीके के कारनामे कर रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जो भी अपडेट मिलती है आप तक लगातार जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।